मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण शिविर का शहर के अनेक वार्डों में अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 17 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसी के तहत बीटीआई रोड पर शिविर लगाया गया। यहां पार्षद अरुणा उपाध्याय एवं नगरपालिका अमले ने समस्याएं सुनी। रहवासियों ने वार्ड में गंदगी, खरंजा, पेयजल और राशन कार्ड आदि समस्याओं के बारे में आवेदन सौंपे। पार्षद ने स्थानीय समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। कई लोगों ने अपने मकान का पट्टा, राशन कार्ड, गैस, वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड न मिलने जैसी कई समस्याओं को लिखित रूप में दर्ज कराई। वार्ड पार्षद अरुणा उपाध्याय ने बताया कि शहर में 17 से 31 अक्टूबर से मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर लगे हैं। इसी के तहत वार्ड में भी जन सेवा शिविर लगा है और लोग अपनी अपनी समस्या के लिए आवेदन कर रहे हैं। खरगांव से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गरीब वर्ग बीपीएल में है, उन परिवारों को लाभान्वित करना है और उनके अंतर्गत जो भी पात्र पाए जाते हैं उनको लाभ दिलाना है। इसके द्वारा आयोजित ये मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत शिविर। मेरा नाम किस तरह के इसमें आवेदन लोग करने आ रहे हैं? इसमें संबल के संबंध आ रहे हैं और अपनी योजना संबंधी जैसे कि सभी प्रकार के आ रहे हैं। विधवा विधवा है, वृद्धा पेंशन है और आयुष्मान संबंधित है, वो लोग भी आ रहे हैं। ना जोली बेटा, ये शिविर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 31 सितंबर तक अक्टूबर तक है। पात्र हितग्राहियों को सरकारी 33 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और वार्ड में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और उसी के तहत आज हमने शिविर का आयोजन किया है ताकि सारे फार्म सबमिट कर सके। कितने लोग आज चुके हैं? लगभग वार्ड के 14। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।